of a partner, it is shared by dash. Change in profit sharing ratio के केस में profit और loss revaluation का कौन आपस में बांटते हैं बताओ? Okay, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. Reconstitution में old और new की बात है, सोचो reconstitution में old और new कहाँ है? All है. वहां पे कोई आता है? नया और पुराना कैसे हिसाब किताब करोगे? यहाँ पे old. Be particular when you answer और अच्छा question frame किया है. एक एक question में दोनों chapter के question पूछिए. सोचो आप. और ये option दे रखी है उसने. This is option B. All partners, old partners. Admission के time पे old और new की बात होगी. Why at reconstitution? Why at change in profit sharing ratio? Change in profit sharing ratio में जो partner है वो सारे हैं. वहां पे कौन सा नया आता और जाता है? Right? सेकेंड एंड थर्ड इज ऑफ शेयर कैपिटल, वो हमने किया नहीं. फोर्थ इज ऑल्सो ऑफ शेयर कैपिटल, फिफ्थ इज ऑल्सो ऑफ शेयर कैपिटल. अगला देखो, दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग. अरुण एंड विजय शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ दिस. ही हैज गिवन मी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की एसेट साइड पे ऐसे फॉर्मेट बनाया हुआ उसने. मेरे को मशीनरी दे रखी है 40,000. राइट, नीचे जो उसने लिखा है दैट आई एम राइटिंग एट द टॉप. मशीनरी की वैल्यू उसने 40,000 दे रखी है. आपसे क्या पूछा है? लेट्स सी. इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड in the balance sheet is overvalued by 33 × 1/3%, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet. How will you solve it? बैलेंस शीट में कहता मैंने 40,000 वैल्यू दे रखी है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मेरे को कोई खास लेना देना नहीं है. एक इन्फॉर्मेशन उसने मेरे को दे रखी, कहता ये जो वैल्यू है 33.33%, राइट, 33.33% से ओवर वैल्यूड है. कहता नई बैलेंस शीट में एडमिशन के बाद, एडमिशन का क्वेश्चन है या कोई भी हो क्वेश्चन, एडमिशन का हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो, एडमिशन के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप मशीन को नई बैलेंस शीट में कितने से दिखाओगे? कैलकुलेट द वैल्यू. कॉपी पेन लो, ऐसे नहीं बात बननी. सॉल्व इट. यस स्टूडेंट सिटिंग एट होम दे कैन आंसर मी. ये वैल्यू कितने के पीछे है? ये वैल्यू कितने के पीछे है? 33% ज्यादा है भाई, तो कितने सिक्के पीछे हुई है? दिस 40,000 इज बियॉन्ड. करो इसको 33, मतलब ये 133 के पीछे हुई. 100 प्लस 33 ना, तो ये कितना बनेगा? 400. 339 डिवाइडेड बाय 3. मैंने 100 के पीछे वैल्यू निकालनी है, बोला ना उसने ये ओवर वैल्यू है. निकालो वैल्यू फिर. 40,000 रेसिप्रोकल से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइडेड बाय 400 इनटू व्हाट? 100. 30,000 वैल्यू आनी है और ये ऑप्शन है. 30,000 वैल्यू है, इसका 1/3 उसने क्या करा हुआ है? बढ़ाया हुआ. 33% का मतलब 33 × 1/3 का मतलब 1/3 होता है. ठीक है, 1/3 उसने बढ़ाया हुआ, मींस 10,000 उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, तभी तो 40,000 है. सिंपल मैथ लगाना है. करने को मैं सारे सॉल्व कर दूंगी, लेकिन आपकी कहां पे तैयारी है वो आई वांट टू चेक. बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है कितने परसेंट से? मतलब 100 वाली चीज कितने पे रिकॉर्ड है? अगर मैं यहाँ पे 20 लिखती हूँ तो 100 वाली चीज कितने पे रिकॉर्डेड है? 120 पे. तो यही किया मैंने. 40,000 कितने के पीछे? 133 के पीछे. 100 प्लस इंक्रीज ना. 100 वाली चीज कितने पे रिकॉर्ड है? 133.33 पे.
ठीक है, मैंने उसे ब्रेक करके लिखी है ताकि मेरे लिए कैंसिल करना आसान हो। हैड यू बीन कैलकुलेटिंग विद कैलकुलेटर तो आप 133.333 लिखते तो भी 30,000 सीधा आता। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में ताकि हमारा कैंसिल आसानी से हो जाए। ठीक है, ओवर वैल्यूड बाय दिस पर्सन इट मींस कि दिस इज नॉट 100, दिस इज 100 प्लस ओवर वैल्यू जितने से है। दिस वॉज सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो जी अगला देखो, सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ योर सैंपल पेपर। मेरे को नहीं लगता तैयारी है। विच ऑफ दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is true regarding salary to a partner when the capitals are fluctuating? क्या मतलब है इसका? Capitals are fluctuating. What it means? Line का मतलब क्या? तभी ढूंढोगे ना नीचे कौन सा करेक्ट है। क्या मतलब है इसका? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है क्या एंट्री करते हैं सैलरी की? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है सैलरी की क्या एंट्री करते हैं? फंडामेंटल्स में से है। ओके, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री, अगली एंट्री, दो एंट्रीज होती हैं। Salaries and appropriation of the charge. Yes. दो entries mind में है, अब सुनना जी option. पहला वो कहता है debit partners loan. ये तो हो ही नहीं सकता because salary is not a loan. पहले option को तो मैं वैसे ही cross कर दूंगी, नहीं है। अगला P&L account debit to partners capital account, ये भी गलत है। अभी आपने बोला appropriation में जाना, ये भी option गलत है। Third वो कहता है P&L appropriation to current account, ये भी गलत है क्योंकि capitals अगर fixed होती तो मैं current account में भेजती। तीसरा भी गलत है। बात रह गई चौथे की, और चौथे में सही लिखा जो अभिषेक ने बोला P&L appropriation account debited to partners capital account, it was very easy। सिर्फ यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज क्या कर सकता है, जैसे मैंने भी कल जब पेपर पहली बार पढ़ा तो आई वॉज लुकिंग फॉर करंट अकाउंट, देन आई राइट द क्वेश्चन अगेन, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, आमतौर पे फिक्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, पहली बार उसने हाईलाइट कर दिया फ्लक्चुएटिंग है तो जो सिंपल एंट्री करते हैं वही करनी। वी विल बी ट्रांसफरिंग इट टू द कैपिटल अकाउंट, राइट। अगला एट, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन of firm recording of an unrecorded liability will lead to first gain to existing partners, second loss to existing partners, third neither gain nor loss to existing partners, and fourth is none of the above. Bolo ji, kya matlab hai line ka? What you got? ये लाइन कभी आपने पढ़ी हुई है? रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्या एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? बिल्कुल ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सिंपल सा फंडा है, मैं कैसे इसको चूज करूंगी? मींस बैठे बैठे लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? बस फिर ये ऑप्शन है। लाइबिलिटी डिक्रीज होती तो ये आती, एसेट इंक्रीज होती तो गेन होता, तो भी एसेट डिक्रीज होता तो लॉस होता। इसको चेंज करके भी डाल सकता है, अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट हो सकता है, डिक्रीज इन एसेट हो सकता है, इन एनी वे ही कैन चेंज इट।
तो पहले दो ऑप्शन में से ही आपने सेलेक्ट करना था, दैट इज अ लॉस. बैठे बैठाए लायबिलिटी का बढ़ना इज अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट. और रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हुई होगी, राइट. वैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ भी होता है, बट आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टूवर्ड्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाइन्थ क्वेश्चन, खर्चा के देखना और फिर जिस तरह से मैं डिस्कस कर रही हूं उसे रिलेट करके सोचना. ई एफ एंड जी, 3:3:2. जी को गारंटी दी, गारंटी का क्वेश्चन है. 80,000 तेरा प्रॉफिट से कम नहीं होने देंगे, मींस यहाँ तो ये ग्रेटर देन 80 होगा या इक्वल टू 80 होगा, ठीक है. और गारंटी सिर्फ ई ने दी है, ई इज गारंटर, राइट. उस साल प्रॉफिट हुआ 3,12,000. उसने पूछा ई कितनी डेफिशिएंसी बेयर करेगा, करो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बी मोर बाय ई, कैलकुलेट इट. ई कितनी डेफिशिएंसी बेयर करेगा, मैं तो एंट्री भी पूछूंगी. अगर वो डेफिशिएंसी बेयर करेगा तो एंट्री क्या पास होगी, मैं दोनों चीजें पूछूंगी. व्हाट विल बी द डेफिशिएंसी बोर्न बाय ई. ये सॉल्व इट स्टूडेंट्स. लॉस टू एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, गुड. मौलिक ने ठीक बोला, वैभव ने ठीक बोला. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, गुड. रियली दे आर लिसनिंग टू मी. गारंटी का क्वेश्चन है, निकालो पहले प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन. ई को कितना मिल रहा है प्रॉफिट, वैसे तो सबका निकालने की जरूरत नहीं है. जी का शेयर निकालो सीधा, लेट इट बी अ शॉर्टकट. 2/8, 8 3 78 मिल रहा है जी को. हमने कितना बोला, व्हाट इज द डेफिशिएंसी, हु विल बोर्न, बस एंट्री क्या होगी, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जीज कैपिटल. जो डेफिशिएंसी बेयर करेगा उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे और जिसको देना है उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे ना. इतना लंबा थोड़ा ना था क्वेश्चन, शॉर्टकट में करना है, टाइम का भी तो ध्यान रखना है. 90 मिनट्स ही हैं, क्लियर है. सीधा जी का शेयर निकालना था. 2000 इज द राइट ऑप्शन और ये ऑप्शन उसने दे रखी है. अगला भी मैं, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने कभी डिस्कस ना किया हो. ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव डिस्कस इन द क्लास थॉरली, सो आई एम सेटिस्फाइड कि पेपर ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता, हमने सब कुछ किया हुआ है. आपको दे रखा है बैलेंस ऑफ डब्ल्यू सी आर 40,000, इसके अगेंस्ट क्लेम दे रखा है 45,000. हाउ विल यू डील इट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. हाँ गुड, डब्ल्यू सी आर डेबिटेड, बिल्कुल ठीक. WCR account debited, revaluation account debited to claim. Partners को कुछ भी नहीं मिलना, तो मेरे पास एक ऑप्शन पता कौन सी है, debited to revaluation account 5,000, ठीक है. उसने पूरी पूरी एंट्री नहीं पूछी, उसने पहली ऑप्शन दी 45,000 debited to partners capital account by, wrong है. How we can debit it to the partners capital account, no way. फिर उसने बोला 40,000 debited to revaluation account, वो भी गलत है. फिर थर्ड ऑप्शन उसने बोली 5,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यू नीड टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन 5,000. आप एंट्री आपके माइंड में है तो बस ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 5,000 ही डालना. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुड. अगला थ्योरी का क्वेश्चन है. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. डीड में कुछ नहीं लिखा, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मिलेगा, पहले आप ये बताओ. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्वेश्चन को घुमाया है. मान लो एडिशनल एडिशनल वर्ड ना लिखा होता तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, जब डीड में नहीं लिखा. एडिशनल को मैं हटा देती हूँ, अब आप पढ़ो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता. तो अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, एडिशनल पे क्यों मिलेगा, क्योंकि डीड में नहीं लिखा. तो फोर्थ ऑप्शन आएगी, नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन दियर एडिशनल कैपिटल. बाकी ऑप्शंस पढ़ देती हूँ. एंटाइटल्ड फॉर 6%, एंटाइटल्ड फॉर 10%, एंटाइटल्ड फॉर 12%. नो, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है. दिस इज तो कैपिटल भाई,
ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ वर्डिंग थोड़ी सी घुमा दी, अदरवाइज इट वॉज इजी। हाँ, अगले क्वेश्चन के बारे में मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ा, देखती हूँ आप कैसे करते हो उसको अंडरस्टैंड। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखती हूँ, दिस इज 12th क्वेश्चन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और ये बुक में से चेक भी करेंगे, रिवैल्यूएशन के बारे में ये लाइन लिखी है, इज नेसेसरी बिकॉज देयर पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, दिस इज वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट, बुक वैल्यू, दैट इज बीवी। हाँ, क्या मतलब है पढ़ो जरा क्वेश्चन। कहता है एसेट्स की रिवैल्यूएशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, चारों में से कौन सी वैल्यू है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, गुडविल का क्वेश्चन है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 180, निकालना है आपने फॉर्मूला लगा के, 1,80,000। रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाउ वी डू कैलकुलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल हियर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। कुछ भी तैयारी नहीं करनी शुरू करी, डेट शीट आपको दे दी हुई है 10 दिन से, गुडविल का चैप्टर नहीं तैयार किया, ये गुडविल का फॉर्मूला बोल रहे हो, दिस इज गुडविल फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल के फॉर्मूला में आएगा आप बोल रहे हो। सी द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अब हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हमारे जैसी बाकी फर्म्स कितना अर्न करती हैं, 80,000, हम कितना अर्न करते हैं 180, और इन दोनों का डिफरेंस निकालती तो सुपर प्रॉफिट होता ना, सुपर प्रॉफिट उसने पूछा ही नहीं, उसने एवरेज प्रॉफिट का पूछा है, एवरेज प्रॉफिट है कितना 1,80,000, 1,80,000 को 10% से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 लाख होना चाहिए मेरे हिसाब से, 18 लाख ऑप्शन भी है, लेट मी चेक 13th का आंसर कहाँ गया, की मेरा थर्टीन का ए कह रहा है 10 लाख, कैपिटलाइजेशन का यही फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरओआर, कैपिटलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है गुडविल का, 18 लाख माइनस 18 लाख, क्या 18 लाख माइनस व्हाट 8 लाख, हाँ यही है, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चेक करवाती हूँ अभी, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यूड ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 18 लाख, अभी कैलकुलेट करके बताया, 8 लाख बीच में से माइनस कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड, यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गोइंग टू टेल यू
गुडविल के चैप्टर में से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, दिस इज आवर थर्ड चैप्टर। Yes, capitalized value of the business minus capital employed, or he calls it net asset. Net asset का मतलब ही capital employed ही होता है. So this is what 18 lakh I calculated. वो तो capitalized value of profit आया या capitalized value of business आया, उसमें से capital employed minus कर दो तो आपके पास goodwill आती है. Formula should be on tips. 14th अभी हमने किया नहीं, कितने chapter तो अभी रहते हैं. अगला भी सुनो. I think time is up. बाकी next period में करते हैं। Next period में I will be discussing about the sample paper of business studies. Meanwhile, in your break, you will be downloading the sample paper of business studies, right? In fourth period, we will be discussing that.